दोस्तों, एक ट्रेंड जो चालू हुआ लेट 2018 में और 2019 में चालू रहा, वो था पॉपअप सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन्स का। जी हाँ, मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बताया हुआ है कि आई एम नॉट अ बिग फैन व्हेन इट कम्स टू पॉपअप सेल्फी कैमरा या फिर एनीथिंग मैकेनिकल। लेकिन दोस्तों, एक बात कहनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है पॉपअप सेल्फी कैमरा, स्पेशली जब आप सेल्फी निकालते हो, ऊपर आता है, दैट जस्ट गिव्स अ डिफरेंट फीलिंग। लोग आपके पास देखते हैं, यार इसके पास फोन है जिसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई आपके लिए एक वीडियो कर दूं जहां पे मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छे पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन्स कौन से हैं, वो भी 20,000 के नीचे। तो यही है वो वीडियो। लेकिन सभी फोन्स बताने से पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, पांचवें नंबर पे आता है हुआवी का Y9 प्राइम किरिन 710F प्रोसेसर है, विच इज अ डिसेंट प्रोसेसर। 4000 mAh की बैटरी है, पीछे ट्रिपल कैमराज आते हैं और आगे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। 15,990 इसकी प्राइस है, ठीक ठाक है, इसीलिए हमारे लिस्ट पे है पांचवें नंबर पे। वैसे दोस्तों, जो भी फोन्स मैं आपको बोल रहा हूं, सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड चौथे नंबर पे आता है ओप्पो K3। यस, अगर आपको एक एमोलेड स्क्रीन वाला चाहिए जो पॉपअप सेल्फी के साथ आता है, दिस इज द वन। यस, इसमें भी 6.53 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आती है, 3765 mAh की बैटरी है, पीछे की तरफ डुअल कैमराज है, आगे आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा। इसकी भी प्राइस 15,990 है। तीसरे नंबर पे आता है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ ऑनर 9X। यस, इसमें किरिन 710F प्रोसेसर है, 4000 mAh की बैटरी है, पीछे की तरफ ट्रिपल कैमराज आते हैं, आगे आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। दिखने को सही में अच्छा है, इन हैंड फील वगैरह बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल दिस इज डेफिनेटली इन आर लिस्ट एट नंबर 3। बट सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सबसे सस्ता पॉपअप सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन है। जो बेस वेरिएंट है उसका 4GB 128GB, वो आता है 13,990। सो दिस इज द चीपेस्ट वन। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है रियलमी X। यस, ये भी अच्छा है दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर है इसमें, पीछे की तरफ डुअल कैमराज आते हैं, लेकिन प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। आगे का जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। एंड ओवरऑल इट्स अ गुड वन। प्राइस है 16-17 हजार में आपको मिल जाता है, जनरली ऑफर्स वगैरह होंगे तो 15,000 में भी आपको मिलता है। ओवरऑल दिस इज फर्मली एट नंबर 2। और कौन सा है दोस्तों फोन जो आता है पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ? आई एम श्योर यू नो इट, रेडमी K20। जी हाँ, ये 19,999 का है, मतलब दूसरे फोन जो है उससे 2-3 हजार से ज्यादा है। लेकिन याद रखिए, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर आता है, साथ में पॉपअप सेल्फी कैमरा आता है, वो है 20 मेगापिक्सल का, 4000 mAh की बैटरी आती है फास्ट चार्जिंग के साथ, एंड दिखने को That fire and ice design looks extremely good. आगे और पीछे दोनों भी तरफ ग्लास है। Overall दोस्तों, this is my number 1 in the list of best pop-up selfie camera smartphones. वैसे कैसे लगी ये लिस्ट? अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे दोस्तों, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ और पोल दे देता हूँ आपको कि भाई कौन सा जो वाटर ड्रॉप नॉच अच्छी लगती है, डॉट नॉच अच्छी लगती है आपको, पॉपअप सेल्फी कैमरा अच्छा लगता है, स्लाइडर लगता है, ये मैंने पोल में डाला हुआ है। जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और बताइए कि आपको कैसा अच्छा लगता है, फुल व्यू, वाटर ड्रॉप, पंच होल, बाकी सब जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।